सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बच्चों को याद था चलिए सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें। 8 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड और आज हम लोग जो है डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। पिछला हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इस चैप्टर में अब जो है नेक्स्ट हमारे पास डेटा हैंडलिंग, तो डेटा हैंडलिंग पर हम जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला काम जो है मैंने फिर से रिवीजन में बात कर रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इसमें यह है बेटा कि आप कोई भी डेटा, डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, यानी कि हम जो है कोई भी चीज मेजरमेंट हम करते हैं, यानी कि अपने घर में देखा आपने कि हमारे घर में कितनी टू व्हीलर व्हीकल है, कितनी फोर व्हीलर है, और उसमें जो है या पूरे दिन भर में कितनी बार हमारी टू व्हीलर बाहर गई, कितनी बार हमारी फोर व्हीलर बाहर गई, या हम किसी अपने घर के सामने विंडो के सामने हम खड़े हो जाए तो पर घंटे, जैसे कि आज एक घंटे में कितनी गाड़ियां हमारे सामने से गुजरी, उसके बाद नेक्स्ट आवर में कितनी गाड़ियां हमारे सामने से गुजरी, उनका काउंटिंग, ये सभी जो हम कलेक्शन करते हैं ना इसे बोला जाता है डाटा। और इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके इसको रखते हैं ताकि जो है चीजें हमें जो है समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। इसमें जो है कलेक्शन या डाटा होता है, जैसे जैसे पढ़ते हैं लिखा गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, आपकी परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में कैसी है, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, हमारी भारतीय टीम फुटबॉल में कैसा परफॉर्म करती है और क्रिकेट में कैसा परफॉर्म करती है, इसका भी डेटा हो सकता है। इसके बाद जो है फीमेल रिप्रेजेंटेट, यानी कि महिलाओं की साक्षरता, यानी हमारे आसपास जो है कितनी महिलाएं साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वहां पर लिटरेसी रेट पर भी डेटा हमारा हो सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज टू 5 इन द फैमिली अराउंड यू, आपके आसपास जो परिवार है उनकी फैमिली में 5 साल से छोटे कितने बच्चे वाली फैमिलीज हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, इसका भी डेटा हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम जो है जैसे डेटा हमारे पास से हमें मिलता है उस डेटा को बोलते हैं हम जो है प्राइमरी डेटा, यानी कि जो हमें फर्स्ट जैसे मिलता है डेटा उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। तो पहला हम जो है यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसमें इसके बाद हमारे पास जो है पहला है मीन एवरेज। तो एवरेज हमारे पास क्या होता है, मीन नंबर एक, मीन इक्वल टू क्या होगा, तो मीन इक्वल टू हमारे पास सम ऑफ दी ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी को हम जो है सम कर दें और उनकी संख्या से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, मीन फाइंड जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। दूसरा हमारा नंबर है क्या है, दूसरा हमारा नंबर आता है रेंज, रेंज। अब ये रेंज क्या होता है इसको थोड़ा सा हमें समझने की अत्यंत जरूरत है। और इसमें रेंज की बात करते हैं तो रेंज में हमारे पास जो है इसमें बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हम यहां पर क्या करेंगे,
इज इक्वल टू हाईएस्ट, हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये जो हमारे पास जो सबसे बड़ा होगा और सबसे कम होगा उसके बीच के जो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है इस हमारे पहले जो है इस स्टैटिक्स में यानी कि डाटा हैंडलिंग में हमारे पास हमने जो है बहुत सारे ऐसे काम कर लिए। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ दी हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो क्लास के 10 स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए क्लास के बच्चे नहीं है, तो अपने आसपास कोई भी 10 लोगों को, 10 मेंबर्स को आपकी हाइट को आप लिख लें, ठीक है। अपनी कॉपी में 10 मेंबर्स की हाइट को लिखा, जैसे हमारे अपने घर में सबसे बड़े पिताजी है, पिताजी की हाइट, माता जी की हाइट, सिस्टर की हाइट, बड़े भाई की हाइट, अंकल की हाइट, आंटी की, दादी की हाइट, सबकी हाइट को आपने ये डेटा के रूप में लिख लिया। फिर इसमें पूछा गया है कि फाइंड द रेंज, इनकी रेंज निकालना है। तो हर में सबसे जो छोटे होंगे वो जो है मिनिमम हो जाएगा, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, और घर में जो सबसे लंबे होंगे वे क्या होंगे, वे जो है हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाइएस्ट में से लोएस्ट मेंबर को हम जो है माइनस कर देंगे तो जो है हमें रेंज मिल जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पहला जो है रेंज, अब मान लीजिए कि सबसे हाईएस्ट, तो यहां पर हमारे पास इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब मान लीजिए घर में सबसे लंबे में एक टेंटेटिव मेंबर नंबर लिख दे रहा हूं मैं, 146 सेंटीमीटर किसी की हाइट है, ठीक है, घर में सबसे बड़े हैं, तो उनकी संख्या जो है मान लीजिए 146 मान लिया, और जो सबसे छोटा मान लीजिए तो 125, इनको हमने माइनस किया, तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 21 सेंटीमीटर का रेंज है, यानी कि सबसे कम और सबसे जो है ज्यादा है उनके बीच के डिफरेंस को हमने लिख दिया, तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, उसकी रेंज हो गई। तो हमने जो है बात कर लिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, लिखा गया है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। तो जैसे हमारे पास जो मार्क्स आए हुए हैं, इन मार्क्स के आधार पर इन्हें टेबुलर फॉर्म में हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम ये करते हैं, पहले लिखते हैं मार्क्स, यहां हमने लिखा मार्क्स, उसके बाद दूसरा लिखा हमने जो है टैली मार्क्स। अभी मैं इसको भी आपको समझाता हूं, टैली मार्क्स, उसके बाद जो है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में हमें ध्यान देना है। पहला काम हमारे पास दिया गया है, इसमें जो डेटा लिखे गए हैं इन सबको टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख दिया गया है। तो हमारे पास 1 कितनी बार है पूरे टेबल में, तो यहाँ पर हमारे पास 1 से शुरू किया गया है और 9 तक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने जो है इनको सभी को एक टेबल में लिख दिया। अब पूरे डेटा में यानी पूरा रो में, पूरे कॉलम में हमें देखा कि 1 कितनी बार है, तो 1 जो है हमारा 1 टाइम है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, 1 को 1 ही लिखेंगे हम, यानी कि टैली मार्क्स में 1 को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 कितनी बार है, तो 2 इसमें पूरे डेटा में 2 टाइम है, तो यहां भी हम लिखा 2 को जो है 2 टाइम के लिए हमें 2 फ्रीक्वेंसी, और यहां भी हमने लिख दिया इसे 2 टाइम, ठीक। इसके बाद फिर बोला गया है इसमें 3 कितनी बार है, तो 3 जो है हमारे पास इस डेटा में कितनी बार है, मैंने आपके सामने लिखा 3 भी पूरे डेटा में 1 टाइम है, तो यहां हमने लिखा 1 और यहां भी हमने लिख दिया इसका 1। फिर इसके बाद जो है नंबर आता है 4 का, 4 इस पूरे डेटा में 3 टाइम दिया गया है, तो यहां पर हमने इसको लिखा यहां से ये 3 टाइम, डेली मार्क्स में 3 को 3 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद जो है यहां हमारे पास नंबर लिख देते हैं 3। 5 पूरे डेटा में कितनी बार है, 5 हमारे पास डेटा में है आपके पास, तो
तो फाइव जो है यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव टाइम फाइव है, तो फाइव जो है फाइव टाइम दिया गया है, तो फाइव का सीखना वन टू थ्री फोर। अब उसके बाद जो है हमारा फाइव को एक जो है ऐसे कट कर देते हैं, चार लाइनें हम खींचते हैं, उसके बाद पांच के लिए पांचवी लाइन जो है हमसे कट कर देते हैं, और उसके बाद जो है ये हमारे पास नंबर यहाँ लिख दिया जाता है फाइव। फिर इसके बाद नंबर आता है सिक्स, सिक्स कितनी बार है, वन टू, फिर इसके बाद थ्री फोर टाइम सिक्स है, सिक्स भी हमारे पास फोर टाइम है, तो फोर लाइन हम खींच देंगे और यहाँ लिख देंगे हम फोर। ऐसे ही हमारे पास जो है सेवन कितनी बार है, सेवन टू टाइम है, तो सेवन हमारे पास टू टाइम है, यहाँ हमने लिख दिया टू। एट हमारा कितनी टाइम है, तो एट यहाँ पर लिखा गया है वन टाइम है, एट यहाँ वन लिखा, हमने वन लिख दिया। नाइन भी हमारे पास जो है कितना दिया गया है, वन टाइम है, और इसको भी हमने जो वन लिखा। तो एक तो ये काम हो गया कि इसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, यानी इसको सिस्टमेटिक ढंग से हमने इसे लिख दिया। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हमारा क्या है हाईएस्ट है, तो यहां पर लिखेंगे हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर is equal to, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है, तो हाईएस्ट नंबर जो है सबसे बड़ा जो नंबर है इसमें से नाइन है, हाईएस्ट नंबर कितना है नाइन। और उसके बाद दिया गया दूसरा पूछा गया है विच नंबर इज अ लोवेस्ट, तो इसमें जो है हमारे पास लोवेस्ट नंबर, पूरे लोवेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया, दैट इज द वन, सबसे छोटा इसमें कोई नंबर है वो नंबर क्या है वन है। अब इसके बाद तीसरा पूछा गया है इसमें रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट में से हम लोवेस्ट को माइनस करेंगे, नाइन में से वन माइनस किया कितना आ गया एट, तो इसकी रेंज कितनी हो गई एट, इसकी रेंज हो गई। फिर इसके बाद पूछा गया है कि अर्थमेटिक मीन, यानी कि हमें मीन फाइंड करना है, तो ये हमारे पास जो है फोर्थ नंबर है मीन। मीन में हमें क्या करना है, पहले तो जो है हम सारे डेटा को हमें ऐड करना है, और डिवाइडेड बाय सभी डेटा को हमें ऐड करना है जितनी बार दिया गया है, तो टोटल यहां पर हमें लिखा गया है सम ऑफ, यहां पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी क्या है कि इतने डेटा दिए गए, सबको हमें क्या करना है प्लस करना है, सबको प्लस करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 100, सभी को हमने जोड़ा तो कितने मिल गया हमें 100, ये सारे डेटा को जोड़ा हमारा क्या हो गया 100, और उसके बाद जो है कुल ऑब्जर्वेशन की संख्या कितनी है 10 + 10 आपका 20, ये हो गया 20, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया मीन इसका 5, तो 5 मीन है, यानी कि मीन का मतलब हो गया ये क्या है एवरेज। तो किसी भी डेटा में हाईएस्ट ढूंढना आसान काम है, लोवेस्ट ढूंढना भी आसान काम है, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करना ये भी इजी वर्क है, और सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस प्लस करते हुए जैसे 2 + 4 + 6 + 7 + 5 आपको 6 + 7 तक गणना है, सबको जोड़ा बाई में जितनी संख्या है उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाता है हमारा जो है मीन फाइंड हो जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन बड़ा आसान था, और इसे मैंने जो है आपके सामने रखा है, इसे हमने बताया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी समझिए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब यहां समझिए फर्स्ट 5 ये जो है फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर में अब आप देखिए फर्स्ट 5 होल नंबर हमारे पास दिया गया है, तो कौन कौन से होंगे, एक होगा 0, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या होता है 0, उसके बाद क्या होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहां पर हो गया 4, ये फर्स्ट 5 आपके होल नंबर हो गए, ठीक है। तो हमें जो है इसका क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, हमें 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है,
mean equal to sum of all observation upon total number of observation. तो सब करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5. तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 3 3 6 6 4 10 10 अपॉन यहां पर हो गया 5. दैट इज इक्वल टू 2. इसका क्या है? एवरेज है. 2 इसका मीन. तो आसान काम है, आसानी से इसे हम फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा समझिए. लिखा है अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन अ 8 इनिंग. एक बैट्समैन है, उसने जो है रन बनाए, तो 8 इनिंग के रन गए, उसके स्कोर दिए गए 58, यानी कि रन्स 58 कॉमा फिर दिया 76 कॉमा फिर इसके बाद 40 फिर इसके बाद 35 और इसके बाद 46 और इसके बाद हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं 46 के बाद 45 इसके बाद 0 और इसके बाद फिर जो है 100. यानी ये बैट्समैन है, पहले बार बैटिंग करने का 58 रन 76 40 35 46 45 और यहाँ 0 पर भी आउट हो गया है और इसने एक सेंचुरी भी लगा रखी है. तो इसमें बोला गया है कि क्रिकेट स्कोर फाइंड द मीन स्कोर. अब इसका मीन निकालना है. मीन निकालने में क्या करना, इन सबको जोड़ना डिवाइडेड बाई को. कितनी इनिंग है? 8 इनिंग है. तो 8 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. तो हम यहाँ लिखेंगे मीन is equal to sum of all observation divided by total numbers of observation. तो अब इनमें से हम क्या करेंगे, इनको हम सभी को जोड़ेंगे. तो that is equal to लिखा है 58 plus 76 plus 40 plus 35 plus 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100. इन सभी को हमने क्या किया, प्लस लगा करके लिख दिया और डिवाइडेड बाय में 8, क्योंकि कुल इनिंग की संख्या हमारी कितनी है, इसमें इनिंग की संख्या हमारी 8 है. अब हम ऊपर वाले नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे पास जो है ये संख्या हमारी कितनी आनी है, 400. आप ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय में 8. 400 डिवाइडेड बाय में 8. 8 5 40 होता है 50. तो 50 रन जो है इसमें हमारे पास क्या हो गया, एवरेज इसका स्कोर रहा है. कि एवरेज यानी किसी भी बैट्समैन का जब एवरेज पूछा जाता है ना, तो उसकी जितनी इनिंग्स होती है उन सारे स्कोर्स को जोड़ दिया जाता है और उसकी जितनी इनिंग होती है उसके नंबर से हम उसे डिवाइड कर देते हैं. तो अभी मैं आपको जो है अनम्यूट कर रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेरी है इसमें तो पूछ सकते हो. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें. आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? यस सर. तो ये जो मैंने बताया ये समझ में आया आपको? यस सर. अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर. ओके, तो ये जो है बहुत अच्छी बात है कि हमारे ध्रुव चौधरी भैया को कोई डाउट नहीं है और हमारे बाकी सभी भैया भी ध्यान से सुन रहे हैं. तो इसमें क्या है, बीच बीच में जब क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोग रिप्लाई भी करते रहा करें, जिससे आपका जो है लगेगा कि हाँ सर भी है, सर कुछ पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट कुछ बता रहे हैं. ठीक है बेटा. अभी मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें जो है कुछ मैं एक टेबल बना रहा हूं. इस टेबल के आधार पर हम जो है आगे का काम करेंगे. ठीक है? ओके सर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
तो हम यहाँ पर पहले जो है बोर्ड की सफाई कर दें। और जैसा टेबल बना है वैसा ही टेबल हम पहले अपनी कॉपी में बनाएंगे। मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, आप लोग के सामने बुक होगी, आप बुक में से टेबल पहले अपनी कॉपी में बना लें ताकि जो है कुछ समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला हमारे पास है प्लेयर, क्वेश्चन नंबर 5, ये है प्लेयर। उसके बाद जो है गेम्स, और इसके बाद जो है गेम, और इसके बाद फिर से गेम, और तीन गेम हो गए उसके, और एक और गेम है, चार गेम है। प्लेयर की जो संख्या है वे जो है ए, एक ए है, एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है जिसका नाम बी है, और एक प्लेयर है उसका नाम क्या है, सी है। तीन खिलाड़ी है हमारे, ए जो है पहले नंबर एक के गेम में फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड गेम, ये हमारा थर्ड गेम, और ये हमें फोर्थ गेम। ऐसे हमारे चार गेम दिए गए हैं। पहले गेम में इसके 14 नंबर आए, 14 का स्कोर किया। दूसरे गेम में इसने 16 का स्कोर किया। तीसरे गेम में हमारे पास जो है इसने 10 का गेम जो स्कोर किया, और उसके बाद फिर से इसने 10 का स्कोर किया। बी खिलाड़ी की बात करें तो पहले गेम में उसे 0 नंबर मिले, उसके बाद दूसरे में इसको 8 मिले, और नहीं तो फिर 6 मिले, और चौथे में उसके 4 मिले। और सी खिलाड़ी जो है पहले में 8, और उसके बाद जो है दूसरे में 11, और तीसरा डिड नॉट प्ले, लिखा है डिड नॉट प्ले, उसने गेम ही नहीं खेला, और इसके बाद अगले में उसने 13 का स्कोर बनाया। अब इस डेटा के बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर 1, ध्यान से सुनना बच्चों, पूछा गया है फाइंड द मीन ऑफ द डिटरमाइंड ए एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट स्कोर पर गेम। तो हम मीन ऑफ ए लिखेंगे, ये है मीन ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसमें देखिए ए के कितने गेम हुए, तो ए के लिए लिखेंगे 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, और इसे हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, क्योंकि तो चार गेम में है, चारों गेम का एवरेज सम कितना आएगा बेटा, सम बताइए। सम इसका आएगा 4 6 यहां पर, दैट इज इक्वल टू 50 by 4। 50 4 है, इसके बाद हम इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 point हमारी वैल्यू कितनी होगी, 5, 12.5 हमारा जो है ये इसका आंसर, उसका मीन कितना हो गया 12.5। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 or 4, व्हाई। तो आपको ये देखना है दूसरे क्वेश्चन में कि अगर जो है हम सी प्लेयर की बात करते हैं तो सी प्लेयर ने कितने मैच खेले हैं, इसमें तो गेम ही नहीं खेला इसने, तो सी प्लेयर ने पहला गेम खेला, दूसरा खेला और चौथा खेला, तीसरा गेम तो उसने खेला नहीं है। तो मीन निकालते समय इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3, क्योंकि जितने मैच वो प्ले किया है, खेला है, उतने नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर जो है उसने 4 मैच खेले होंगे तो 4 से डिवाइड किया होगा, अगर जो है इसने 3 मैच खेले हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर क्या होगा, यहाँ पे सेकंड बार पूछा गया है वो नंबर होगा 3। अब किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर होगा 3। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम, बी ने जो है चारों के चारों गेम खेले, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, इसके मीन को आप कैसे फाइंड करेंगे। तो थर्ड वाले में हम लिखेंगे मीन
आप बी इज इक्वल टू लिखना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम जो है हमारे पास क्या होगा, सम में हमने जो है बी के लिए पहला होगा जीरो प्लस एट प्लस सिक्स प्लस फोर और डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसने चारों के चारों मैच खेले हैं तो डिवाइड हम किससे करेंगे, फोर से करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर हो गया दैट इज इक्वल टू 18 4 9/2 यहाँ हो गया 2 4 4 point यहाँ पर 5 इसका क्या हो गया मीन हो। तो इस तरह से हमने जो है इसका थर्ड वाला भी हमने सॉल्व कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो यहाँ पर लिखा गया है हमारे पास आपके सामने तीनों बातें रखी गई हैं। द बेस्ट परफॉर्मर विल हैव टू ग्रेटर एवरेज अमंग ऑल, जिसका एवरेज सबसे बढ़िया होगा वो जो है बेस्ट परफॉर्मर है। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है, ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, क्योंकि ए का एवरेज हमारा 12.5 है और इसका एवरेज 4.5 है। तो आपका बेस्ट परफॉर्मर इज ए। तो हमारे पास है इसमें ए नंबर प्लेयर जो है हमारा बेस्ट परफॉर्मर है। तो इस तरीके से जो हमारे पास डेटा दिए गए होते हैं उन डेटा के बेस पर हम जो है अपना काम करते हैं और उस पर जैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई भी क्वेरी हो तो वे बेझिझक भी संकोच को पूछ सकता है। सर नहीं है क्वेरी। नहीं क्वेरी है तो अच्छी बात है बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको आप समझे। क्योंकि आप लोगों का अगला टेस्ट जो होगा असाइनमेंट भी और टेस्ट भी दोनों जो है मैं डेटा हैंडलिंग से ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर 85। देखो बच्चों ध्यान से 85, 76, 90, 85, 39 और 48, उसके बाद 56, 56 के बाद जो है 95, 95 के बाद 81, 81 के बाद 75। अब ये जो है हमारे पास आउट ऑफ 100 में यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, 90 से बड़ा कोई है, 95 सबसे बड़ा क्या है, हाईएस्ट इक्वल टू 95 मार्क्स, लोएस्ट क्या है, सबसे कम कितने नंबर है, 39, इससे कम तो नहीं है कोई। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, हाईएस्ट 95 और लोएस्ट हमारा जो है 39। सेकंड पूछा गया है रेंज, तो ये है हमारे पास रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 95 में से 39 को हम माइनस करेंगे तो ये हमें मिलता है कितना, 56। तो 56 हमारा क्या है, इसका इस डेटा का रेंज है। अब इसके बाद जो है बात आ रही है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, इसका हमें मीन निकालना है, थर्ड नंबर है मीन, यहां पर हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम कैसे करेंगे, यहां 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस
81 प्लस 75 और इसको हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई, अब ये कुल कितने डेटा है, तो ये हमारे पास कुल 10 डेटा है, इसका सम हमारा कितना आ जाएगा, सम इक्वल टू जोड़ने पर 730 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारा जीरो से कट गया, क्या आया 73 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने जो है आज आपको मीन के बारे में भी मैंने सिखा दिया। अब इसमें दो क्वेश्चन है 7, 8 और 9, ये दोनों जो है आपके होमवर्क है, इनको आप जो है मन लगा करके अच्छे से इसे करेंगे और तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास में यही ओवर करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय सर, बाय।